डेट में हम देख चुके हैं। मिस चिया को लूजेंग में इतना इंटरेस्ट लेते देख मिस्टर मा पूछ ही लेता है, क्या तुम लूजेंग को लाइक करती हो? आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 9 से पहले पार्ट 8 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं मिस चिया कोई रिप्लाई तो नहीं करती, पर मिस्टर मा फिर भी सब समझ गया था। अब तो लूजेंग ही लिनियांग का पर्सनल कोच बन गया था और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर दोनों साथ में टीवी देखते हैं और फिर उसे रोमांटिक सीन की कॉपी भी करते हैं। फिर वो साथ में डेट पर आते हैं तो लूजेंग उसे किस कर देता है। काउलिंग जो शॉपिंग कर रही थी वहाँ उसे लिनतियान की सिस्टर मिलती है, पर वो फोन आते ही एकदम चली जाती है। पर वो देखती है उसने बच्चों का सामान खरीदा है। इनफैक्ट काउलिंग की बेटी की चोट लग गई थी और मॉम की तबीयत खराब थी। उसे रोता देख लिनियांग उसे चुप कराती है। इधर लूजेंग लिनियांग का वेट कर रहा था, पर वो उसे काउलिंग की बेटी वाली बात नहीं बताती। फिर वो उसके बार बार पूछने पर बता ही देती है। लिनतियान की सिस्टर बॉस से पूछती है क्या काउलिंग मैरिड है या उसका कोई बेबी है। काउलिंग काफी दिन से कंपनी नहीं आई थी और ना ही लिनियांग। लूजेंग और मिस्टर मा दोनों ही हॉस्पिटल में आ गए थे जहाँ काउलिंग उसकी बेटी और उसकी मॉम थे। पर मिस्टर मा उसकी बेटी को देख हैरान था। कंपनी में रूमर्स फैले होते हैं कि काउलिंग ने सीक्रेटली मैरिड की और उसका बेबी भी है, इसलिए याओ को भी उस पर शक होता है। काउलिंग की मॉम काउलिंग के लिए हस्बैंड ढूंढना चाहती थी और तभी वहाँ मिस्टर मा उन्हें खुश करने पहुँच जाते हैं। ये देख सब हैरान थे। लिनियांग उन दोनों पर गुस्सा करती है कि वो अपनी हरकतों से काउलिंग को और परेशान कर रहे हैं और उन्हें ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। फिर वो काउलिंग के एक्स हस्बैंड को देख लेती है जो काउलिंग से पैसे लेने आया था, तो वो उसे कहती है तुम काउलिंग से दूर रहो और उसे आगे से परेशान मत करना, पैसे तुम्हें मैं दे दूंगी। याओ लिनियांग से काउलिंग के बारे में पूछने लगी थी तो लिनियांग बहाना मार रही थी, इसलिए याओ गुस्सा होती है। लूजेंग देखता है लिनियांग सैड है क्योंकि वो चाहती थी कि काउलिंग याओ को सब कुछ बता दे, पर वो उसे ये बात बोल भी नहीं पा रही थी। तो लूजेंग उसे घर लेने आता है, पर कोई उन दोनों के साथ में फोटो खींच लेता है। फिर वो लिनियांग को मेडिसिन खिलाता है तो वो उसे किस करके आई लव यू बोलती है, तो लूजेंग उसे प्यार से सुला देता है। मिस्टर मा आंटी को खुश करने के लिए फिर वहीं पहुंच जाता है और तोंग तोंग के साथ खेलता है जिसकी वीडियो लूजेंग काउलिंग को देने आया था। याओ लिनियांग से गुस्सा थी तो वो उसे अपने साथ लाती है और उसे काउलिंग की बेटी तोंग तोंग से मिलवाती है। बच्ची को देखते ही याओ का गुस्सा ठंडा हो जाता है। सच छुपाने के लिए काउलिंग उससे माफी मांगती है। इनफैक्ट लूजेंग ने ही काउलिंग को समझाया था, पर याओ को अभी भी काउलिंग के एक्स हस्बैंड पर गुस्सा आ रहा था। लिनियांग लूजेंग के लिए नूडल्स बनाने के लिए नूडल्स लेकर आती है, पर लूजेंग देखता है कि वो जल्दी में सही से क्रीम लगाना भूल गई। वो एम्बेरस होती है तो वो उसे हक कर लेता है। लिनियांग के बने नूडल्स बहुत बेकार थे, पर वो फिर भी खा रहा था और कहता है वीफे आगे से खाना मैं बनाया करूंगा। टीवी पर किस सीन को देख वो चेंज करती है, पर हर जगह रोमांटिक सीन ही चल रहे थे, तो वो टीवी बंद कर उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। पर एक ही बेड पर लेटकर दोनों नर्वस थे और फिर प्रॉमिस करते हैं कि कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। फिर वो पूछता है क्या तुम रेडी हो, तो वो उसे किस करने लगती है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। पर मॉर्निंग में लिनियांग को बहुत शर्म आ रही थी और वो लूजेंग से दूर भाग रही थी, तो लूजेंग उसकी हरकतें देख हंस रहा था और फिर उससे पूछता है क्या हम दोबारा से करें। वो कहती है नहीं मुझे काम पे जाना है। वो कहता है मेरा मतलब था विश करना। वो कहती है ओह गुड मॉर्निंग। वो कहता है गुड मॉर्निंग वीफे। इधर हम देखते हैं लिनियांग और लूजेंग की सीक्रेट फोटो खिंचवाने वाली मिस जिया थी। जब वो फोटोस मिस्टर मा देखता है तो वो काफी परेशान था। अपने नाइट वाले लव बाइट को छुपाने के लिए वो स्कार्फ पहन लेती है और लूजेंग उसे ऑफिस छोड़ने आया था, पर याओ उसका वो लव बाइट देख लेती है। इधर मिस्टर मा फोटोज वाली बात जीनैन से डिस्कस कर रहा था, पर हैरानी की बात ये थी कि फोटोज में लिनियांग का फेस नहीं दिख रहा था, इसलिए मिस्टर मा लूजेंग को लिनियांग से दूर रहने को कहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लूजेंग को सिंगल होना चाहिए वरना उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लूजेंग पेनल्टी पे करने के लिए रेडी था, पर बात पैसों की नहीं उसके करियर की थी। पर लूजेंग के लिए तो लिनियांग से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, इसलिए वो डैड को अपने और लिनियांग के रिलेशन के बारे में बता देता है। इधर मिस जिया बॉस को नए एड शूट के लिए लूजेंग को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाने को कह रही थी और फिर वो बातों ही बातों में लिनियांग को लूजेंग से दूर रहने को बोल देती है। लिनियांग के घर आते ही लूजेंग उसे कहता है प्रॉमिस करो तू मुझे कभी छोड़कर नहीं चाहोगी, चाहे वो मेरे भले के लिए ही क्यों ना हो। तो वो प्रॉमिस कर देती है। लिनियांग सोच रही थी
कि वो मॉम को अपने और लूचन के बारे में कैसे बताएगी, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं, पर मॉम ने उसे ये नहीं बताया था। तो वो जल्दी से अपने होम टाउन जाने लगती है। लूचन साथ चलने को कहता है पर वो उसे मना कर देती है। उसे सैड देख लूचन उसके लिए सॉन्ग गाता है। डैड की सर्जरी होने वाली थी इसलिए लिनियांग सैड थी। मॉम ने उसे ये सब इसलिए नहीं बताया था ताकि वो सैड ना हो, और फिर वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं छुपाएंगे। इधर मिस्टर मा अपनी प्रॉब्लम काउलिंग को बताता है। मिस्टर मा को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते देख काउलिंग स्माइल करती है। मॉम ने लूचन के मॉम डैड को डैड की सर्जरी के बारे में नहीं बताया था क्योंकि लूचन के मॉम डैड ने उन्हें हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, इसलिए वो उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहती थी। और ऊपर से उन्हें लगता है कि पहले की बात और थी, और अब तो लूचन के मॉम डैड काफी रिच हो गए हैं पर वो अभी पुअर हैं। इधर लूचन जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लिनियांग के पास जाने वाला था। लूचन के मॉम डैड डैड की खबर लेने वहीं पर पहुंच जाते हैं और ना बताने की वजह से मॉम पर गुस्सा करते हैं। मिस्टर मा बॉस को लूचन और लिनियांग के रिलेशन के बारे में बता देता है, जिससे सुन बॉस पहले तो हैरान था पर फिर खुश होता है। इधर लूचन के डैड कहते हैं लिनियांग और लूचन दोनों ही सिंगल हैं तो इन दोनों की ही शादी कर देते हैं, पर मॉम कहती हैं नहीं, वो लूचन से कितनी बड़ी है, वैसे भी लूचन ने बताया था कि वो ऑलरेडी किसी लड़की को लाइक करता है जो रोती रहती है और बिल्कुल बच्चे जैसी है। तभी लिनियांग को लूचन का कॉल आता है जो कहता है वो लड़की तुम हो। उसे वहीं पे देखकर लिनियांग हैरान थी और भागकर चाह उसे हकड़ लेती है। लूचन को देखते ही मॉम मारने भागती हैं, पर फिर उसकी खातिरदारी होती है। डैड लूचन को कहते हैं अगर तेरी मॉम को तेरे और लिनियांग के बारे में पता चला तो उसे भी लिनियांग के डैड के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। लेकिन डैड को उसके और लिनियांग के रिलेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा वो तो बहुत खुश थे। लिनियांग के घर पे सिर्फ दो ही रूम थे, इसलिए लूचन डैड को सोने के लिए होटल भेज देता है ताकि वो लिनियांग के साथ घर पे रुक जाए। दोनों मॉम एक ही रूम में सोने वाली थी तो लूचन की मॉम कहती हैं हम लूचन और लिनियांग की शादी करा देते अगर उनमें इतना एज गैप ना होता, अब तो ये इम्पॉसिबल है। वैसे भी लूचन की गर्लफ्रेंड है, उसने रिंग पहनी थी, वो तो मुझे नहीं बताएगा तो मुझे खुद ही पता करना होगा। लूचन लिनियांग को उसके रूम में जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसे हक करना चाहता था, और दोनों डिसाइड करते हैं अगर मॉम डैड नहीं मानेंगे तो वो एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहेंगे। पर मॉम के आते ही लूचन सोने का नाटक और वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। इधर बॉस भी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है और वाइफ यानी लिनियांग की सिस्टर अपने ड्रीम फैशन डिजाइनर को फॉलो करने लगी। अपनी वाइफ के कहने पर और लूचन और लिनियांग के लिए बॉस मिस्चिया के एडशूट के ऑफर के लिए मना कर देता है, इसलिए मिस्चिया लूचन की डेटिंग की न्यूज वायरल करने वाली थी। डैड के ठीक होने पर वो सब बहुत खुश थे। लिनियांग और लूचन मॉम डैड को अपने रिलेशन के बारे में नहीं बता पाते, पर मॉम उन दोनों को हाथ पकड़ते देख लेती हैं। फिर वो दोनों साथ में डेट पर आते हैं और वहीं वहीं घूमते हैं जहां वो बचपन में खेलते थे और बहुत मस्ती करते हैं और फिर किस भी करते हैं। पर लूचन की न्यूज़ वायरल हो जाती है कि वो अपने से बड़ी लड़की को डेट कर रहा है, और इसी के साथ पार्ट 9 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।